Back now discussing another problem of continuity. So find the value of p and q for which function defined as this thing: when your x is less than 90, when your x is equals to 90, when your x is greater than 90. तो इनके लिए ये function अलग अलग way में define है. जब 90 के equal है तो p है, जब 90 से छोटा है तो 1 minus sin cube x upon 3 cos square x है, और जब 90 से बड़ा है तो q into 1 minus sin x upon pi minus 2x का whole square है. ठीक है, अब ये क्या बोला गया है, ये जो फंक्शन है ना आपका पाई बाय टू के लिए, पाई बाय टू के लिए ये फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है. ठीक है, तो जब ये कॉन्टीन्यूअस है तो जब भी कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है तो हमें कुछ रूल्स हैं वो पता होते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन एफ एक्स होता है एट एक्स इक्वल्स टू सी, सी जहाँ पे कौन है इस टाइम पाई बाय टू, तो ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं जब फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है. यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है, यानी पहले हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, और हर बार हमें एफ एक्स के इक्वल रखना है और हमारा पी और क्यू का वैल्यू आ जाएगा. सो सबसे पहले चलते हैं हम लिमिट लेफ्ट हैंड वाली. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है जो 90 डिग्री से छोटा होता है. 90 डिग्री से छोटा जो फंक्शन यहाँ पे है वो था, एज यू कैन सी 90 डिग्री से छोटा वाला फंक्शन ये था, तो हमने उसी को यहाँ पे रखा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स. अब अगर आप यहाँ डायरेक्ट 90 वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो अपॉन में ज़ीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमें ज़ीरो नहीं रखना होता है. क्यों? बिकॉज वो अनडिफाइंड हो जाएगा देन. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस 90 की जगह यानी पाई बाय टू की जगह हमने क्या किया बेटा, हमने एच एक नया कंपोनेंट लाया, उसको ज़ीरो रख दिया है. आपको पता है क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस एच, यहाँ पे जो एच होता है बहुत स्मॉल वैल्यू होता है, इट इज़ वेरी वेरी नियर टू योर ज़ीरो. ठीक है, तो जैसे ही आप एच को अगर ज़ीरो रखेंगे है ना, तो एक्स की वैल्यू 90 को अप्रोच करेगी, तो यही रूल होता है इसमें. तो जब आपने एच को ज़ीरो रखा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की जगह जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ 90 माइनस एच आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है. तो देन 1 माइनस साइन क्यूब 90 माइनस एच अपॉन 3 कॉस स्क्वायर 90 माइनस एच, ये कन्वर्ट हो गया आपका 1 माइनस कॉस क्यूब एच में और अपॉन में 3 साइन स्क्वायर एच. ठीक है, देन आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जूनियर लेवल में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि ये उसी फॉर्म में है, इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ठीक है, अब जब आप इसको फर्दर ओपन करेंगे, जब आप इसको फर्दर ओपन करेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एच और ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एच प्लस 1 प्लस का कॉस एच, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 साइन स्क्वायर एच है. साइन को हम आपको पता है, साइन स्क्वायर नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, और उसको ओपन किया जा सकता है इस फॉर्म में, 1 माइनस कॉस एच कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एच. ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस एच से 1 माइनस कॉस एच आपका कैंसिल. और जब आप यहाँ पे, अब ये फंक्शन बचा आपका, जब ये दोनों कैंसिल हुआ तो जैन अब आपने यहाँ ज़ीरो की वैल्यू डाली, कॉस एच को अगर मैं ज़ीरो डालूँ तो 1 होता है, ये ऑलरेडी 1 है, कॉस ज़ीरो इज़ अगेन 1, 1 1 1 इज़ 3, सिमिलरली 3, और यहाँ पे कॉस एच की जगह ज़ीरो रखेंगे भी 1, 1 और 1 होता है 2, 3 से 3 कैंसिल, और ये वैल्यू आई आपके पास 1/2. ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस था तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो फंक्शन एफ एक्स के बराबर होगी. एफ एक्स आपका क्या था बेटा, पी है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या, ये 1/2. सो जो पी का वैल्यू हमारे पास आया वो आया है हाफ. ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर होगा. अब चलते हैं हम राइट हैंड लिमिट में. तो जब हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो अब क्या होगा, एक्स 90 प्लस हो जाएगा, तो फंक्शन जो कि आपका 90 प्लस पे था वो था क्यू इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर. अगेन अगर आपने यहाँ 90 डायरेक्ट वैल्यू पुट किया तो अपॉन में अगेन ज़ीरो आ जाएगा, तो अगेन हमें क्या करना होगा, लिमिट में h टेंस टू ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इस बार x की जगह क्या आएगा बेटा, क्योंकि ये प्लस वाला वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. तो एट्स जहाँ जहाँ x होगा वहाँ अब 90 प्लस h आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 90 प्लस h पाई माइनस 2 90 प्लस h का होल स्क्वायर. अब वी नो साइन 90 प्लस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एच ही बचा, और नीचे यू कैन सी जब आपने इनका इंटू करवाया
तो पाई माइनस टू पाई अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और इसी टू का इंटू जब एच से हुआ तो वो माइनस का टू एच हुआ, और उसका जब होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा तो वो आपको देगा फोर एच स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा इस क्वेश्चन को समझने में। अब देन फर्दर वन माइनस कॉस एच को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो ही रहेगी इंटू क्यू, और ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एच बाय टू। ठीक है, ये हमें लिमिट ये पता है हमें, वन माइनस कॉस एक्स को क्या बोला जाता है, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो जब आपने इसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया, आपने यहाँ क्या किया नेक्स्ट टाइम में, टू और फोर को कॉमन ले लिया, तो बाहर बचा टू क्यू अपॉन फोर, और अंदर क्या बचा है साइन एच बाय टू। आप चाहे बेटा साइन स्क्वायर एक्स लिखें, चाहे साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखें, मीनिंग सेम होता है। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और एच स्क्वायर को मैंने एच बना दिया है, और टू और फोर को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो होती है तो साइन एच अपॉन एच वन हो जाता है। हम उसी फंडे को यहाँ पे कुछ करने जा रहे हैं। एज यू कैन सी टू ये फोर को कट करेगा तो क्यू अपॉन टू बचेगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो है। अब यहाँ पे साइन एच बाय टू है, ठीक है, तो अगर मुझे अपॉन में भी एच बाय टू चाहिए तो मुझे इंटू टू और डिवाइडेड बाय टू करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। उससे क्या होगा बेटा, ये साइन एच अपॉन टू और एच अपॉन टू ये पूरा का पूरा फैक्टर बन गया वन, और जब टू का आप यहाँ स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा फोर, और फोर इंटू टू इज़ नथिंग बट एट, तो आपके पास क्या बचेगा सॉल्व करके, क्यू अपॉन एट। अगेन राइट हैंड लिमिट यहाँ एफ एक्स के बराबर होने जा रही है, एफ एक्स आया था आपका पी है ना, और पी की वैल्यू आई थी वन बाय टू, आर एस, और राइट हैंड लिमिट आया आपके पास क्यू बाई एट। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया आपके पास क्यू की वैल्यू आई यहाँ पे फोर। आई होप क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू।